सो हाय एवरीवन, जैसा कि लुक देखकर आपको सभी को पता लग ही रहा है, आज मैंने ये मुस्लिम ब्राइडल मेकअप लुक किया है। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुस्लिम ब्राइडल मेकअप लुक करें, तो आज का वीडियो इसी पर है। आई होप आपको ये लुक काफ़ी अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं मॉइस्चराइज़र से। यहाँ पे मैं निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छी शाइन देता है फेस पर, क्योंकि इसमें हल्के से ग्लिटर पार्टिकल हैं, लेकिन शाइन बहुत अच्छी देता है। इसके बाद मैं लॉरियल का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ट्रू मैच। आज मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी ही स्किन से मैचिंग का फाउंडेशन लिया है, तो हल्का सा डस्की वाला लुक मैंने किया है। मैंने अपने कलर को इनहेंस नहीं किया है, तो आप देख सकते हो, लेकिन ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, हैवी कवरेज देता है, और ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, मतलब ये ऑयली नहीं है। ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैं मेबेलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, शेड नंबर 15 फॉर फेयर स्किन टोन। तो हम इसे अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे अपने जो भी हमारा आईलिड है उन सबको। इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद मैं म्यूज़िक फ्लावर का ये ब्राउन कलर का जेल ले रही हूँ, जेल आईलाइनर। तो सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को कॉम कर लेंगे, और अब ब्रश की मदद से अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से हाईलाइट करेंगे। अब कंसीलर से मैं और ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि जो लाइंस हैं उससे हमारी आई शेडो बहुत अच्छी और एक शार्प लगती है काफ़ी फेस पर, अगर आप इस तरीके से कंसीलर अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो ये कंसीलर मैंने अप्लाई किया था, उसको हम ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर को सेट करने के लिए। स्विस ब्यूटी की मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ अब। तो सबसे पहले मैं डार्क ब्राउन कलर ही ले रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको क्रीज लाइन पर अप्लाई करेंगे। अब इससे थोड़ा सा डार्क कलर ले रही हूँ, तो यहाँ के इसके लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अब मैं कट क्रीज कर रही हूँ, तो इस तरीके से हम अपनी आईज़ को कट क्रीज कर लेंगे, आप देख सकते हो, एक स्मॉल ब्रश की मदद से। अब इसके ऊपर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ कंसीलर को सेट करने के लिए। अब मैं यही आई शेडो ले रही हूँ, इसमें मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ, तो जहाँ पे हमने कट क्रीज़ किया था जिस एरिए को, उस पर हम ये गोल्डन कलर का शिमर आई शेडो यूज़ करेंगे इस तरीके से, पफ की मदद से। और हल्का सा जो लाइन है उसको मैं ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, यही शिमर आई शेडो। अब इमेजिन की मैंने ग्लिटर आई शेडो ली है, इसमें मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ, और जो हमारा आईलिड है उस पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल फ्रंट पे नहीं अप्लाई करना, मिडल पे यूज़ करना है। अब जो मैंने टेप लगाई थी उसको हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, बहुत हल्का स्मोकी लुक देना है, मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है, आप चाहो तो डार्क भी कर सकते हो। अब लोअर आईलिड पर मैं यही ब्राउन कलर ले रही हूँ, और इससे मैं लोअर आईलिड को स्मोकी लुक दूंगी इस तरीके से, एक फ्लैट ब्रश की मदद से, स्मॉल ब्रश की मदद से। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का आईलाइनर ले रही हूँ जेल, यह आईलाइनर काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा फेवरेट है हमेशा से, तो हम इसी के ब्रश से अपने आईलाइनर को अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और लोअर आईलिड पर हम इस तरीके से अपने आईलाइनर को लगा लेंगे। इसके बाद मैं एक एंगल ब्रश की मदद से, इसी ब्रश की मदद से इसको हल्का सा स्मोकी लुक दे रही हूँ, एक डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो से। अब मैं NYB का कंसीलर ले रही हूँ, करेक्टर ब्राउन कलर का, कॉन्टोरिंग के लिए। तो हम इसे अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्टोरिंग स्टिक है, 100 रुपीज़ में आपको purple.com पे मिल जाएगा, मुझे बहुत पसंद है ये। अब इसे हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो मतलब वो ब्लेंड नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे हम अपने फेस को एक अच्छी सी शेप देंगे। इसके बाद मैं वापस अपने पूरे फेस पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, सारे जो भी फाउंडेशन अप्लाई किया था उसको सेट करने के लिए। अब मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ सिवाना का, ये लूज़ पाउडर बहुत अच्छा है, काफ़ी हैवी कवरेज देता है, तो
इससे हम अपने आईज़ को, पूरे फेस को कॉन्टोर करेंगे, बेक करेंगे। अब मैं ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ अपनी नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए एक एंगल ब्रश की मदद से। अब जो एक्स्ट्रा हमारा लूज़ पाउडर है उसको हम हटा लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा फेस बिल्कुल बेक हो चुका है। क्योंकि अब हम कॉन्टोरिंग कर लेंगे इसी, मैंने जो कॉन्टोरिंग के लिए पाउडर लिया वो मैंने आई शेडो से ही लिया है, तो इसी से हम पूरे फेस की कॉन्टोरिंग कर लेंगे। अब वेट एंड वाइल्ड का मैंने मेलो वाइन ब्लशर लिया है, ये पीच ब्राउन कलर का ब्लशर है, तो इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे अपने चीक्स पर। अब मैं हाइलाइटर ले रही हूँ मेबेलिन क्रोम का 02, ये हल्का सा पिंकिश सिल्वर कलर का हाइलाइटर है, काफ़ी अच्छी शाइन है इस हाइलाइटर की। तो नोज़ चीक्स हो गया, हमारा चिन हो गया, अच्छे से आप इसको हाइलाइट करें, क्योंकि ब्राइडल को तो अच्छे से ही आप अप्लाई करें। अब हम जो हमारी आईब्रो बोन्स है उसको हम अच्छे से हाइलाइट कर लेंगे एक स्मॉल ब्रश की मदद से, दोनों आईब्रोज बोन को। लिपस्टिक ले रही हूँ स्टे कुर्की की 05 कलर गोज, काफ़ी बोल्ड मजेंटा कलर है ये, तो काफ़ी अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग है, ज़रा सा ड्राई करती है लेकिन जो इनका पिगमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है, तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हो ये है मेरा फाइनल लुक, आपको कैसा लगा? हल्का सा मैंने डस्की वाला लुक दिया है, तो आपको ये लुक कैसा लगा? आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फैमिली और मेम्बर्स के साथ। और आपको अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।